हेलो एवरीवन, अभी हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो है कैपिलरी इफेक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर्स इन द ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm डायमीटर व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, फर्स्ट वन, और सेकंड वन है मरकरी। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द वैल्यूज ऑफ द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मरकरी एट 20 डिग्री सेल्सियस इन कॉन्टैक्ट विद एयर आर 0.073575 न्यूटन पर मीटर एंड 0.51 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर इज 0 एंड फॉर मरकरी इज 130 डिग्री। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एज 998 केजी पर मीटर क्यूब। गिवन ट्यूब का डायमीटर दिया है, ठीक है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। द कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है, द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, जिसके लिए भी ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू 4 σ cos θ अपॉन रो जी डी। ठीक, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या हो गया, ग्रेविटी, और डी हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है, अब कैपिलरी इफेक्ट फॉर वाटर, वाटर के केस में थीटा क्या बोला है उसने, 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब सारी चीज़ें अगर हम ये पुट कर देते हैं तो सिग्मा की वैल्यू कित, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं तो 4 × σ, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी थी, सरफेस टेंशन इन वाटर कितना दिया था, 0.073575 × cos 0 अपॉन रो की वैल्यू 998 दी है और जी की वैल्यू 9.81 × 4 × 10⁻³ डायमीटर, कितनी वैल्यू आ गई, 7.5 mm। सेकंड केस में क्या बोला है, मरकरी के लिए बोला है, कैपिलरी इफेक्ट फॉर मरकरी, मरकरी के लिए सरफेस टेंशन कितना है, 0.51 न्यूटन पर मीटर और थीटा की वैल्यू दी है 130 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 0.51 × cos 130 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी उसकी, × 9.81 × 4 × 10⁻³। अब cos 30 आपको पता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा, −2.46 mm। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कैपिलरी डिप्रेशन। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।